आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ स्वर्ण समुदाय की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का देश भर में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इसी बंद के चलते हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के धमेटा बाजार में लोगों ने सड़क पर उतरकर आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धमेटा में भारत बंद का आह्वान कर रहे लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन करने के साथ बाजार को भी पूर्णतः बंद रखा व लोअर बाजार व अपर बाजार में रैली भी निकाली गई। भारत बंद के आह्वान को यहां के व्यापारियों और टैक्सी यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट जो खत्म किया था वो अध्यादेश लाकर भारत सरकार ने दूसरी बार लागू कर दिया। ये काला कानून है, हम चाहते हैं ये कानून खत्म हो, सबको इंसाफ मिले, सबका विकास और सबका तभी हो सकता है यदि सब समानता का अधिकार सबको मिले। ऐसा ना हो कि कोई वर्ग ऊपर उठ जाए और कोई वर्ग नीचे रह जाए। हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो और समान विकास सबका। जो सरकार ने दिया है हमें आर्थिक आधार पर हमें चाहिए, ना कि पक्षपात पर चाहिए, जाति आधार पर नहीं चाहिए। जो आरक्षण है, आरक्षण की जो है जाति के ऊपर भी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आर्थिक बेस के ऊपर। कोई ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, कोई राजपूत भी गरीब हो सकता है। आरक्षण जो है सरकार को वापस लेना चाहिए जे, और आर्थिक बेस के ऊपर देना चाहिए। आज अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर स्वर्ण समुदाय ने भारत बंद का आह्वान किया है। राष्ट्रीय स्तर पर इस बंद की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में मुस्तैद कर दिया गया है। फतेहपुर कांगड़ा से आपका चैनल के लिए रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें।